रवि मधु कुकिंग में आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य सबको घर पर स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के लिए प्रेरित करना है। आज हम बना रहे हैं कॉकटेल मिनी इडली और उत्तपम। हम पहले कॉकटेल इडली बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले इडली बैटर को फ्रिज से बाहर निकालकर कम से कम 2 घंटे के लिए रख दें, जिससे वो कमरे के तापमान पर आ जाए। आप घर का बना या रेडीमेड चावल और दाल का खमीर उठा घोल प्रयोग कर सकते हैं। इस घोल को 3 भागों में बांट लें। हमने 2 भागों को कम और 1 भाग को ज़्यादा रखा है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार बांट लें। एक छोटे भाग में 1 बड़ा चम्मच कटे हुए नट्स मिला दें। हमने कटे हुए काजू, मूंगफली के दाने और छिले और कटे हुए बादाम डाले हैं। अच्छे से मिला लें। दूसरे छोटे भाग में बारीक कटी हुई सब्जियां मिला लें। हमने 2 बड़ी चम्मच कद्दूकस की हुई गाजर, 1 बड़ा चम्मच कटी हुई हरी फलियां और हरा धनिया मिलाया है। सब्जियों को घोल में अच्छे से मिला दें। बाकी घोल को सादा रहने दें। अब अपने इडली बनाने के सांचों को हल्का सा कुकिंग ऑयल से चिकना कर लें। सांचों का साइज ही इडली के साइज को निर्धारित करेगा। आप अपनी पसंद के अनुसार छोटे या बड़े सांचों का प्रयोग करें। अब इन सांचों में तैयार इडली के घोल को अलग अलग वैरायटी को अलग अलग सांचों में डाल दें। सांचे आधे ही भरें, क्योंकि स्टीम करने पर इडली फूल जाती हैं। हमने बड़े भाग को सादा ही रखा है, इसलिए 8 सांचे या 2 सांचों की प्लेट में सादा घोल डाला है। इसी प्रकार सब्जियों वाला और फिर ड्राई फ्रूट्स वाला बैटर भी भर लें। सब सांचों की प्लेट्स को इडली स्टैंड पर लगाकर कस दें। अब अपने प्रेशर कुकर में थोड़ा पानी डालकर उसे मध्यम आंच पर रखें। पानी सिर्फ 1 या 1.5 इंच गहराई तक ही डालें। यदि आपके पास स्टीमर है तो उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। कुकर को ढक दें, इस पर सीटी न लगाएं। पानी को उबलने दें। जब पानी उबलने लगे तो सावधानी से सांचों के स्टैंड को कुकर में रख दें। ढक्कन लगाएं, वेट या सीटी न रखें। 10 से 12 मिनट तक इडलियों को भाप में पकने दें। 10 से 12 मिनट स्टीम करने के बाद कुकर का ढक्कन हटा दें और ओवन ग्लव्स पहनकर सावधानी से इडली स्टैंड को कुकर से बाहर निकाल लें। थोड़ी देर ठंडा होने दें, जिससे आप आसानी से हैंडल कर सकें। एक तेज छुरी को इडलियों के नीचे चारों ओर घुमाएं और तैयार कॉकटेल इडलियों को निकाल लें। इन्हें नारियल चटनी और सांभर के साथ सर्व करें। अब हम कॉकटेल मिनी उत्तपम बनाएंगे। इनको बनाने के लिए भी चावल और दाल का खमीर उठा घोल जितना चाहिए उतना कमरे के तापमान पर ले आएं। इसमें अपनी इच्छानुसार बारीक कटी सब्जियां मिला दें। हमने कद्दूकस की हुई गाजर, कटी हुई फ्रेंच बीन्स और हरा धनिया मिलाया है। इसमें 1 चुटकी या स्वादानुसार नमक भी डालें। अच्छी तरह मिला लें। अब अपने तवे को मध्यम धीमी आंच पर गर्म करें और उसको कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लें। 1 बड़ा चम्मच बैटर तवे पर डाल दें। ऐसे ही और बैटर भी तवे पर डालें, लेकिन एक दूसरे से दूर, जिससे वो आपस में जुड़ने न पाएं। थोड़ा कुकिंग ऑयल हर एक मिनी उत्तपम या टिक्की के चारों ओर डालें और तवे को थोड़ा तिरछा करके तेल को इनके नीचे जाने दें। कुछ कटी हुई भुनी मूंगफली के दाने इनके ऊपर डाल दें। एक पलटे की सहायता से हल्के से दबाते हुए 3 से 4 मिनट पकाएं या जब तक नीचे की सतह पर हल्के भूरे निशान ना आ जाएं। कुछ बूंद तेल इन टिक्कियों के ऊपर भी डालें और पलटे की सहायता से इन्हें पलट दें। पलटे से दबाते हुए 1 या 2 मिनट और पकाएं, जब तक मूंगफली के दाने भी भूरे ना हो जाएं। आँच बंद कर दें और इन्हें परोसने की प्लेट पर निकाल लें। कॉकटेल मिनी उत्तपम को नारियल चटनी और सांभर के साथ परोसें। आनंद लें। हमें आशा है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। कृपया नीचे दिए लाइक के बटन पर क्लिक करें और इस पर अपने विचार कमेंट्स कॉलम में अवश्य लिखें। आपका फीडबैक हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो स्क्रीन पर दिख रही हमारी फोटो पर या नीचे दिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। साथ में दिख रही घंटी पर भी अवश्य क्लिक करें। इससे आपको हमारे हर नई वीडियो की सूचना अपने आप मिलती रहेगी। धन्यवाद।